आम जनमानस के लिए हितकारी नशे पर प्रहार अभियान के तहत लगातार क्षेत्र में अवैध मानक पदार्थों के सेवन और बिक्री पर कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते कपास की फसल में 16,20,000 रुपये के गांजे के पौधे जब्त किए हैं। आदित्य प्रताप सिंह पुलिस अधीक्षक धार, देवेंद्र पाटीदार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार के निर्देशन एवं थाना प्रभारी की टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ संबंधी पृथक 8 मामलों में पकड़ा जाकर 3 मामलों में कुल 250 अवैध हरे गांजे के पौधे और कुल वजनी 316 किलोग्राम और 2 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा, कुल 318 किलोग्राम अवैध गांजा बाजार मूल्य कीमत तकरीबन 16,20,000 रुपये का जब्त कर पृथक अवैध मादक पदार्थ गांजा के सेवन विक्रय उत्पादन संबंधी प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। मनावर से लोकेन यादव की रिपोर्ट। जो कार्रवाई की सर बताए सर, ये पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा अवैध मादक पदार्थ उत्पादित जो है कार्रवाई करने के लिए उनको निर्देशित किया गया था, और इसी कड़ी में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री आदित्य प्रताप था, एडिशनल श्री धार श्री देवेंद्र था, उनके द्वारा स्वतंत्र मार्गदर्शन और निर्देशित किया गया था। इसमें पुलिस थाना मनावर के द्वारा अपना मजबूत किया गया, 8 लोगों के खिलाफ विभिन्न धारों में कार्रवाई की गई। 8 लोगों में करीब 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो गांजे के जो सेवन करते थे, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो गांजे की खेती में जित पाए गए, इसमें जो ग्राम कोरिया है जो कि उधर मुंगे थे, इसमें आरोपी शेरू मुंगे है, इसके खेत से जो है कपास खेत में 140 पौधे जो है गांजे के बरामद द्वारा किए गए, आरोपी गिरफ्तार किया गया। साथ ही जो कि सिंगाना है इसमें ग्राम अंजनिया है, इसमें जो आरोपी अनिल दुबेल इसके द्वारा भी अपने खेत में जो है कपास की आड़ में गांजे का खेती की जा रही थी, और उसके कब्जे से भी करीब 110 पौधे इसके द्वारा जब्त किए गए, आरोपी गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ में जो एक ग्राम खलवानी है, यहाँ पे भी मुख्य सूचना पर जो है एक आरोपी जिसका नाम राकेश राठौर है, इसके कब्जे से 200 ग्राम गांजा ये भी पुलिस के द्वारा जो है जो गिर के रखा गया था उसको जब्त किया गया। इस तरह समुचित कार्रवाई पुलिस के द्वारा जो है करीब 3 क्विंटल 18 किलो गांजा जो है ये जब्त किया गया। उसकी करीब करीब जो चर्चा अनुसार जो कीमत है वो करीब 16,20,000 रुपये पाई गई। जो पूरी कार्रवाई है, इस कार्रवाई में हमारे जो थाना प्रभारी श्री वीरज गुप्ता हैं इनका है, चौकी प्रभारी सिकाना गुलाब बेड़िया, चौकी प्रभारी जो है अमरपन प्रकाश अलावा, साथ में जो है उप निरीक्षक नीरज गोस्ते, उप निरीक्षक जितेंद्र बघेल, उप निरीक्षक अभिषेक यादव, सहायक उप निरीक्षक निशान मुखरानी, उप निरीक्षक सुदेश जाट, उप निरीक्षक दिलीप व्यास, प्रधानरक्षक 340 राजेंद्र चौंगट, आरक्षक ललित, बाबूलाल, राघवेंद्र, रतन, रमेश, जैन सिंह, राकेश, आरक्षक ओम प्रकाश, आरक्षक महेंद्र, आरक्षक प्रीतम, आरक्षक सगर सिंह, और साथ में जो सहायक उप निरीक्षक राकेश राणा, इनका सबको बहुत महत्वपूर्ण योगदान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।